कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की मोगा में किली चाहला में होने वाली रैली की तैयारियों का कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद सुनील जाखड़ ने जायजा लिया। इस संबंध में उन्होंने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक कर रैली की तैयारियों को अंतिम रूप दिया। रैली में मुख्य पंडाल को शहीद जयमल सिंह पंडाल का नाम दिया जाएगा। रैली में 2.5 लाख लोगों को बुलाने का लक्ष्य रखा गया है। रैली को जय जवान जय हिंदुस्तान का नाम भी दिया जाएगा। साडा टीचा जिहड़ा है करीबन 2 तो 2.5 लाख बंदे इत्थे पहुँचण, उन्हां नूं चंगी तरह उत्थे अकोमोडेट किया जा सके, पुख्ता पार्किंग दे प्रबंध होण ते ट्रैफिक दी लोकां नूं असुविधा ना होवे, उन सारी गल्लां नूं ध्यान 'च रख के हुण सारी उहदे ते फैसला लिया जाऊगा। नाम की रखा गया जी? देखो नाम विचार अजे आ रहे हैं, जिहड़ा मैं प्रपोज किया ना है जय जवान जय हिंदुस्तान रैली। साडे जिहड़े देश दीआं बहादुर फौजां उन्हां दे नाल पूरे देश दा जिथे मोढ़े तो मोढ़ा ला के खड़ा है, कांग्रेस पार्टी साडे देश दीआं फौजां कंधे नाल कंधा ला के खड़ी है आ संदेश देण वास्ते, ते उह छोटी सोच दे लोकां नूं चेतावनी देण वास्ते वी शहादतां दे उत्ते उच्ची राजनीति ना करन आ संदेश असीं देना चाहवांगे, क्योंकि आ मसला देश दा है, किसे पार्टी दा नहीं, किसे छोटी सोच दा नहीं, आ साडे देश प्रति देश भगती दी आ गल है, उहदे ते छोटी सोच ना दर्शा। बिल्कुल शहीद जयमल सिंह जिहड़े साडे धर्मकोट चों जिहड़े इस हादसे दे शिकार होए सीगे, उहनां दे नां दे उत्ते पंडाल दा नां जिहड़ा सजेस्ट सारे साथियां ने कीता है, शहीद जयमल सिंह पंडाल दे नां तों उहदा कीता जाऊगा, क्योंकि मेन रैली जिहड़ी है उह साडे बहादुर फौजी जिन्हां ने शहादतां दित्तियां ते जिहड़े अज वी सीना ताण के बॉर्डरां ते खड़े है उन्हां लोकां वास्ते आ रैली की जा रही है, मनोबल वधाउण वास्ते देश की जिहड़ी एकजुटता है वह दिखाउण वास्ते आ रैली असीं कर रहे हैं। एक इमरान खान का कहना है कि असीं शांति चाहते हैं और वो जिहड़ा पायलट है उन्हां कोल उहनूं कल रिहा कर देंगे, की समझ इहदे बारे? मेरी देखो वाहेगुरू अगे मैं अज सवेरे भी जलंधर गल कर रहा सीगा, मेरी वाहेगुरू दे अगे अरदास है भी जिस तरह श्री करतारपुर साहब लंघे वाले समय उत्तों वाहेगुरू की मेहर हुई, दोनों हुकूमतां नूं पाकिस्तान ते हिंदुस्तान दी हुकूमतां नूं सदबुद्धि आई, ते 71 साल दी जिहड़ी साडी मंग सीगी करतारपुर साहब दे दर्शन दीदार दी सेवा संभाल दी, उह सानूं मौका देण दी गल सार्थक तरीके नाल पॉजिटिव तरीके नाल वधी। उसे भावना नाल करतारपुर भावना गुरु नानक देव जी जी जिहड़ी सोच सी अमन शांति उह सदबुद्धि आवे, क्योंकि अमन शांति तो वड्डा मैं समझदा कोई वड्डा संदेश नहीं, ते मेरी उम्मीद है मेरी प्रार्थना है भी साडा जिहड़े पायलट है वह वापस घर परतन, आतंकवाद ते नकेल पवे ते दोनों मुल्क तरक्की दे राह ते अगे वधन, इसी प्रार्थना नाल मैं अरदास वाहिगुरू दे अगे आई कर। इमरान दा कहना जी कल छड़ देंगे उन्हूं, बहुत अच्छी सोच है, मैं समझदा भी इसे किस्म दे जिहड़ी सार्थक सोच है उहनूं आतंकवाद के खिलाफ भी ग्राउंड ते कम करके दिखाण, ताकि आपस च जिहड़ा एक भरोसा वधे क्रेडिबिलिटी वधे, अज दे दिन जिहड़ा लैक ऑफ क्रेडिबिलिटी है उहदे अंदर इसे किस्म दे, पहलां करतारपुर लांघे वाली उन्हां ने गल की बहुत उस गल की शलाघा हुई, अज जिहड़ा इन्हां ने आ इस किस्म का फैसला लिया मैं समझदा भी इहदे नाल सही दिशा दे अंदर सही कदम उन्होंने उठाया है। हरेक आदमी का जो लोग राजनीति तो उत्ते उठ के है सारे की आ सोच है, तो मैं फिर दोहराऊंगा आ जी इमरान खान जी की जी सोच है आ सही दिशा के अंदर सही सही कदम उन्होंने उठाया है, मैं उसकी दाद दिना, तो मेरा अज भी आ उम्मीद है मेरी अरदास है भी अमन शांति देशों के दे बनी रहे। कर्नाटक बीजेपी बहुत ही घटिया उन्हों की सोच है, आ बीजेपी की सोच है, RSS की सोच है, इस सोच तो बचना चाहिए, वो साढ़े शहीदों की कुरबानिया का मुल पा रहे है, उन्हों के हिसाब नाल लोग सभा के अंदर बहुमत बनाने वास्ते 560 जवान साढ़े कुर्बान करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा 40 साढ़े जवान शहीद होए, एक साडा पायलट उधर उन्होंने कब्जे च सीगा वो साडा कहिंदा 22 सीटा वधणगियां, ते जे 272 सीटा बनाउण वास्ते 560 जवान मरवाना चाहती है बीजेपी, आ गंदी सोच है घटिया सोच है, आ लोगों के हिंदुस्तान के लोगों के समझ आ चुकी है, इस तो बचना चाहिए, अज मुद्दा देश का है, असी देश की फौजों के नाल खड़े हाँ, इस घटिया सोच को सिरे तो नकार दें।